लटकाए हुए और रास्ते पे चलते हैं अपनों से भी। कि बच्चों समय ही तुम्हारा अपना है, जीवन में कुछ अपना नहीं है, केवल समय अपना है। और इस समय का सदुपयोग आप किस प्रकार से करें? यदि आपने इस समय को अच्छी प्रकार से बिताया, अपने नियमित पाठ्यक्रम के आधार पर अपने जीवन को चलाया, संयमित जीवन को चलाया, तो मैं समझती हूँ कि एक तो आपका अच्छा बिताया हुआ भाग अच्छा बन जाता है। तो ठाकुर जी कृपा करते हैं, प्रभु कृपा करते हैं। तो तीन चीजों से ये प्रारब्ध तीन चीजों से बनता है। सबसे पहले अगर प्रभु की कृपा, तो प्रभु की कृपा होना बहुत ही आवश्यक है, सबसे ज्यादा आवश्यक है। और देखेंगे कि किसी ने हमें यहाँ ब्रह्मांड के मालिक ने हमें यहाँ भेजा है और उसके बताए हुए रास्ते पे हमें चलना है। मैं अंत में ये कहती हुई अपने बच्चों के लिए ये सारी शुभकामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ और यही कामना करती हूँ कि वो अपने समय का सदुपयोग करेंगे, अच्छा उपयोग करेंगे और भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएंगे, उनका चिंतन करते हुए अपने भविष्य को आगे बढ़ाने का। देखें इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने परिवहन मंत्री जी का, अपने शिक्षा मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के लिए अपना अमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरक शब्दों के लिए बहुत सारा धन्यवाद माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी। विगत वर्षों की भांति इस बार भी विभिन्न बोर्ड्स के वर्ष 2023 की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले प्रदेश में 1745 छात्रों को आज सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें से 141 को लोक भवन के सभागार में और 10 चयनित छात्र आज स्वयं मुख्य अतिथि द्वारा मंच पर सम्मानित किए जाएंगे। विनम्र निवेदन माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से, कृपया मेधावी छात्रों को अपने कर कमरों द्वारा सम्मानित करने की कृपा करें।
उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्रों के सम्मान के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा बेसिक एवं वित्त विभाग श्री दीपक कुमार जी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, अभिभावकगण और प्रदेश से प्रत्येक जनपद से जुड़े हुए मेरे सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित अभिभावक और प्यारे बच्चों, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के विभिन्न बोर्डों के यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड के जो भी मेधावी छात्र हैं, प्रदेश स्तर के देश की सूची में जिन्होंने स्थान बनाया है, उन्हें आज यहाँ प्रदेश में और जनपद स्तर के मेरिट से जुड़े थे सभी मेधावी छात्रों को जनपद स्तर पर प्रदेश सरकार के मंत्री और अन्य मान्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आज सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं प्रदेश शासन की ओर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। आपके उज्ज्वल भविष्य के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। इस अवसर पर अन्य अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आपने भी यहाँ पर देखा होगा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए कुछ नए विद्यालयों का शुभारंभ हुआ है। जो पहले से बने हुए विद्यालय हैं, उनमें कुछ लैब्स बनी हैं, उनका भी आज लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है और संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ, ये भी हमने वहां पर देखा और बहुत अच्छे परिणाम उसके सामने आए। आज ये चीजें भी हम लोग वहां पर देख चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे बेसिक शिक्षा परिषद के 1,35,000 विद्यालय जन सहभागिता के माध्यम से CSR विधि से उनका कायाकल्प हो सकता है, ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा परिषद चाहेगा तो माध्यमिक शिक्षा विभाग चाहेगा तो माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालयों को भी हम लोगों को इसी तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य करना है। यद्यपि हमने विगत वर्ष भी पैसा दिया था माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालयों के लिए और पैसा लेफ्ट हो गया। मैं फिर चाहूंगा जितने गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस जो जर्जर हो चुके हैं, आप तय करें 75 वर्ष पुराने, 60 वर्ष पुराने, 50 वर्ष पुराने, 40 वर्ष पुराने, 30 वर्ष पुराने, या जहाँ छात्रों की संख्या ज्यादा है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रथम फेज में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा फर्नीचर दीजिए, टॉयलेट दीजिए, पेयजल की व्यवस्था करिए, सोलर पैनल की व्यवस्था करिए, अच्छा वहां पे खेल का मैदान बनाइए। खेल और युवा कल्याण विभाग और बेसिक शिक्षा परिषद के प्रांगण में एक खेल का मैदान बना रहा है। ये उन बच्चों के अंदर खेल कूद की गतिविधियों के प्रति भी एक नई जिज्ञासा पैदा हो। स्पोर्ट्स, स्कूली स्पोर्ट्स हुए हैं, हम इसको और अच्छे ढंग से आगे प्रमोट कर सकते हैं। ये समय होता है जब बच्चों को इनके प्रति हम लोग एक नया भाव पैदा कर सकते हैं और ये कार्य हम सबको वहां पर देखने को मिला। बहुत मुझे अच्छा लगा कि जैसे बेसिक शिक्षा परिषद ने क्या माध्यमिक शिक्षा भी इसी रूप में आगे बढ़ सकती है। पहले अपने फंड का उपयोग भी करें, CSR की विधि का उपयोग करें और CSR की विधि के उपयोग के साथ साथ पुरातन छात्रों के सम्मेलन के माध्यम से भी जन सहभागिता का भी उपयोग करते हुए
जैसे हमने अभी पंचायती राज विभाग में एक स्कीम निकाली है, मातृभूमि योजना। मातृभूमि योजना क्या है? किसी भी ग्राम पंचायत का कोई व्यक्ति, वह अपने गांव के बाहर, अपने प्रदेश में, देश में या दुनिया में कहीं भी रह रहा है, वो अपने गांव में चाहता है कि मेरे गांव में कोई अच्छा हॉस्पिटल बने, मेरे गांव में कोई कन्वेंशन सेंटर बने, मेरे गांव में कोई एक अच्छा जनता की सुविधा के लिए कोई अच्छा आयोजन होना चाहिए। तो उनके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है कि मातृभूमि योजना में 60% योगदान हो जाएगा, 40% योगदान राज्य सरकार उसको देगी। भवन बनेगा, भवन का नामकरण उनके किसी पूर्वज के नाम पर हम लोग ये तकनीकी दृष्टि सक्षम बनाने के साथ साथ शासन की योजनाओं की जानकारी भी उसके साथ जब जुड़ जाती है, उसके लिए रास्ता तय करना आसान होता है। एक गाइड का काम करने का टैबलेट या स्मार्टफोन, और हम लोगों ने तब तय किया था कि कोरोना पता नहीं कब तक रहता है। हम आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके प्रयास से कोरोना जैसी महामारी को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई। फ्री में वैक्सीन की सुविधा का लाभ मिला, यानी यह सुविधा केवल भारत के अंदर मिल पाई, इंडिया के अंदर नहीं मिली। कोरोना पर इसलिए इतना प्रभाव नियंत्रण भारत के अंदर, लेकिन इस सब के बावजूद उस समय बार बार प्रमोट करने की आवश्यकता पड़ी। हम लोगों ने कहा प्रमोट की आवश्यकता, प्रमोशन की आवश्यकता ना पड़े। हम लोग ऑनलाइन एग्जाम, बच्चे के मन में एक भाव होना, मैं अपने क्षमता से अपनी क्लास को पास करूं, ये भाव उनको एक नई प्रतिस्पर्धा के लिए खड़ा करता हूं। ये हमें इसीलिए टैबलेट और स्मार्टफोन उस समय देना पड़ा, और वह लगातार अभी भी जारी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि तकनीक का उपयोग करने की कला अभी से हम सिखाने का प्रयास करें, बच्चे को प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने की तैयारी अभी से हम करें, और बिना किसी संकोच, चाहे वह किसी भी बोर्ड से जुड़े हुए छात्र छात्राएं हों, वह यूपी बोर्ड से हो, वे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हो, ICSE बोर्ड से हो, या संस्कृत बोर्ड से जुड़े हुए, बोर्ड कोई खराब नहीं होता, उस बोर्ड के द्वार के साथ जुड़ करके हम स्वयं भी अपने स्तर पर उस प्रतिस्पर्धा के योग्य बन सके, इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार होना होगा। और एक बड़ा कार्य हो सकता है तकनीक का उपयोग करते हुए, जिस प्रकार से आज माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग जी के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। इसके बाद मैं अनुरोध करती हूँ माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से कि हमारे बीच में उपस्थित माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया साबू के देकर स्वागत करें। आप सभी लोग करतल ध्वनि से माननीय का स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध करती हूँ प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज भटासा कि हमारे बीच में उपस्थित माननीय विधायक श्री सुशील साध्य जी को मुख्य देकर स्वागत करें। विद्यार्थी का उत्साह वर्धन करें। अरे आप आगे आगे क्यों आ रहे हो? अरे भैया नहीं है, सब और हैं। भैया कैमरा पीछे करो। अमर उजाला की तरफ से भैया आगे बताइए, ये भी तो चल रही है। दूसरे स्थान पर इंटरमीडिएट के छात्र ललित कुमार, दूसरे स्थान पर
इसके बाद ललित कुमार, पिता का नाम संजीव कुमार, रानी अवंती बाई इंटर कॉलेज छछौना पुल फरुखाबाद के ये विद्यार्थी हैं। इन्होंने 478 मार्क्स प्राप्त किए। पीछे आ जाइए। अरे बेटा उधर जाओ, दो हजार के इन्हें भी 1,00,000 रुपए। अरे बेटा बेटा पीछे आओ, पीछे एक टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किया जा रहा है। बेटा देखो, देखो देखो देखो, गुड बॉय। भाई साहब इसके बीच इधर आ जाओ। हाँ इधर लहसुन आए, ठीक है। वर्ष 2023 की माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण जनपद स्तरीय मेधावी छात्र में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगी तानिया साक्य। पिता का नाम चंद्रशेखर साक्य, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज श्यामनगर मुंबई पट्टी की एक छात्रा है और आपने 600 में 576 अंक प्राप्त कर 96% अर्जित किए हैं और हाई स्कूल में जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त। सभी लोग तालियां जरूर बजाएं, बच्चों का उत्साह वर्धन है। बेटा सामने देखो, सामने देखो बेटा। पिता का नाम मुकेश कुमार, गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज मतापुर पलगांव फरुखाबाद के छात्र हैं। इन्होंने भी 96% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त। अगली छात्रा है अंकिता चौहान, सातवां स्थान प्राप्त किया है आपने। सीपी विद्या निकेतन इंटर कॉलेज कायम की छात्रा है, 94% अंक प्राप्त किए। आप सभी को बताना चाहेंगे कि 21 विद्यार्थी आज यहां पर सम्मानित हुए हैं, जिसमें से जो 13 छात्राएं और 8 छात्र रहे, 2 राजकीय विद्यालय के छात्र छात्रा रही, 6 एडिट विद्यालयों के और 5 वित्त विहीन विद्यालयों के विद्यार्थी यहां पर उपस्थित हैं। तो सभी मेधावी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। और उनके माता पिताओं को, शिक्षक और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए सभी गणमान्य व्यक्तिगण, सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा इन बच्चों को जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया अपनी पढ़ाई में, पठन पाठन में, और उसके बाद सैल्यूट करना चाहूंगा उनके माँ बाप माता पिताजी को तथा शिक्षक गणों को जिन्होंने तराशा है इनको। यह कार्यक्रम देखकर मुझको अपना छात्र जीवन याद आ रहा था। हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य के रूप में विद्यार्थी जगत में काम करते थे और मेधावी छात्रों का अभिनंदन भी यह कार्यक्रम हमारा हुआ करता था, उसमें हम लोग किया करते थे। आज उस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश स्तर पर और बड़े फलक के रूप में देखकर एक बहुत प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति हो रही है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिस विचारधारा से हम लोग जुड़े हुए थे उसी विचारधारा का यह उद्देश्य था कि मेधावी छात्रों का अभिनंदन हो, जो समाज में उपलब्धि हासिल करते हैं उनका रिकॉग्निशन भी हो और उनको प्रोत्साहन भी मिले। उसी विचारों की सरकार भी आ गई है, इसलिए बड़े फलक पर यह अवसर मिल रहा है। और यह हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि उपलब्धि हासिल करने वालों का प्रदेश स्तर पर जो रिकॉग्निशन हो रहा है, उनको प्रोत्साहन मिल रहा है, इसके लिए हम पुनः उनको आभार व्यक्त करना चाहते हैं।
प्रतिभा को तलाशना और तराशना यह शिक्षक का गुण होना चाहिए। यदि वो तलाश कर तराशेंगे तो निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर भी इस देश को मिल पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हम सबने पढ़ा है कि वह बहुत गरीब और दलित परिवार से थे, लेकिन उनकी प्रतिभा को किसने तलाशा? उन्होंने अपना नाम भी दिया अम्बेडकर, उनको सरनेम दिया। उनके जो शिक्षक थे पंडित जी, उन्होंने देखा कि बाबा साहब के अंदर एक प्रतिभा है, यानी बालक में एक असीम प्रतिभा है, विलक्षण और अद्भुत क्षमता है। ये उनकी पैनी निगाहों ने तलाश लिया, फिर उनको तराशा